ट्यूबरज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज का ए टॉपिक है कंपनी फॉर्मेशन इन एब्रॉड। आपका कंपनी आप कैसे एब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज़ में स्टार्ट करोगे, फॉर्मेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊँगा। कंट्री है इटली। इटली में, यूरोप में जो कंट्री है इटली, इटली में कैसे आपका खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, उस बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। हमारा ये चैनल में ट्यूबरोज कॉरपोरेशन हिंदी चैनल में मैं आपको हमेशा एक्सपोर्ट कैसे करोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट, उसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं, और कैसे फॉरेन कंट्री में आप आपका खुद का बिजनेस सेटअप करोगे, कंपनी कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, कंपनी कैसे फॉर्मेशन करोगे, उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताते आ रहा हूं, ताकि अगर आप एक एक्सपोर्टर हो या फॉरेन कंट्री में, कोई कंट्री में आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको मैं फुल्ली इन्फॉर्मेशन देते आ रहा हूँ इस वीडियो में, इस चैनल में। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, हाउ टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्री वर्ल्ड का सब, हर कंट्री का वीडियोस मैं बना चुका हूँ, अलग अलग कंट्री को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे भारत से, और अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देश में कैसे आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बताते आ रहा हूँ। काफ़ी सारे कंट्रीज़ मैंने बता चुका हूँ, कैसे अफ्रीका में काफ़ी सारे कंट्रीज़ का वीडियो बना चुका हूँ, अफ्रीका, यूरोप एंड एशियन कंट्रीज़ के ऊपर। तो आज का ये टॉपिक है, आज का वीडियो है इटली में, यूरोप में कंट्री है इटली। इटली में कैसे आपका खुद का कंपनी फॉर्मेशन करोगे, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊँगा। सो हाउ टू फॉर्म योर कंपनी इन इटली, हाउ टू रजिस्टर योर कंपनी इन इटली। इटली में कैसे आपका खुद का कंपनी स्टार्ट करोगे, उसके बारे में बताऊँगा। सो इटली में अगर कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, इटली में खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आपको खुद का कंपनी पहला रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इन इटली। तो उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो इटली में कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में बताऊंगा। इटली में एट टाइप्स ऑफ कंपनी यू कैन रजिस्टर इन इटली। आठ प्रकार का कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इन इटली। तो कितने टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, मैं आपको स्क्रीन में वन बाय वन करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। सो आठ टाइप का जो कंपनी है, पहला कंपनी का नाम आता है लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, LLC, उसका इटली में कहा जाता है SRL, सिंप्लीफाइड लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी SLLC, तो इसको कहा जाता है SRLS। उसके बाद थर्ड कंपनी आता है इनोवेटिव स्टार्टअप, ये स्टार्टअप कंपनी के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स, पार्टनरशिप कंपनी, कॉरपोरेटिव कंपनी, और एक है बेनिफिट कॉरपोरेशन। ठीक है, आठ टाइप का कंपनी है, LLC, SRL, सिंप्लीफाइड लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी SRLS, इनोवेटिव स्टार्टअप, सोल प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स, पार्टनरशिप कंपनी, कॉरपोरेट कॉरपोरेशन, बेनिफिट कॉरपोरेशन। सो आपको मैं डिटेल्स में दिखा दिया कितने टाइप का कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे इन इटली में। इटली में कितने टाइप का कंपनी आप बना सकते हो, आपको बता दिया आठ टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। तो पहले वन बाय वन आपको बता रहा हूँ, LLC कंपनी के बारे में बताऊँगा। LLC कंपनी जो होता है, जो लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और PLC, SRLS जो बता दिया, PLC इसको कहा जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो दो टाइप का कंपनी काफ़ी फेमस है इन इटली। सो इटली में एक अच्छा बात है, आप कोई भी कंपनी फॉर्मेशन करने को जाओगे, वहाँ कुछ लिमिट, वहाँ कुछ मिनिमम डायरेक्टर, मिनिमम शेयर होल्डर, या मैक्सिमम डायरेक्टर, मैक्सिमम शेयर होल्डर का जरूरत नहीं है। आप एक डायरेक्टर या एक शेयर होल्डर कंपनी बना सकता है, 100 डायरेक्टर या 100 शेयर होल्डर कंपनी बना सकता है। सो मिनिमम वन प्रमोटर, एक पर्सन कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है इन इटली। तो एक आदमी LLC कंपनी बना सकता है, एक आदमी PLC यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकता है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद आपको आने वाले आगे अगर शेयर आपको बेचना है, शेयर आपको स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा पब्लिक को शेयर बेचना है, तो आपको काफ़ी और 7-8 डायरेक्टर शेयर होल्डर को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन में वन प्रमोटर यानी एक आदमी कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है इन PLC में। ठीक है,
और दूसरे बात में दूसरे PLC हो गया, LLC हो गया, और उसका जो स्टार्टअप इनोवेटिव स्टार्टअप कंपनी, अगर आप एक आदमी होते हो, एक कोई एक प्रमोटर होते हो, आपको इटली में कोई स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अकेले आदमी एक आदमी जाकर इटली में खुद का स्टार्टअप इनोवेटिव स्टार्टअप कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जितने टाइप का 8 टाइप का कंपनी बता दिया, कोई भी वन डायरेक्टर और वन शेयर होल्डर, एक आदमी और एक प्रमोटर जाकर कोई भी कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इटली में ज़्यादा करके रेस्टोरेंट्स होटल्स वगैरह रजिस्ट्रेशन होता है, इंडियंस इंडिया से जाकर रेस्टोरेंट्स होटल्स फूड कंपनीज स्टार्ट करते आ रहे हैं, उसके लिए आपको अच्छा रहेगा आप स्टार्ट करिए LLC कंपनी, LLC लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। ये अच्छा कंपनी है और अच्छा इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाती है, एक आदमी एक वन पर्सन ये कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो जितने सारे कंपनी 8 टाइप का कंपनी बता दिया, एक प्रमोटर कंपनी, एक प्रमोटर और एक आदमी, एक डायरेक्टर और एक शेयर होल्डर, मतलब वन पर्सन एक कंपनी कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है इन इटली। और हर कंपनी में हर कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो ज़्यादा करके इटालियन लोगों के लिए, इटालियन सिटीजन इस टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जितने टाइप का कंपनी आपको बता दिया, हर कंपनी बनाने के लिए उसका शेयर कैपिटल रहेगा 1 यूरो, 1 यूरो शेयर कैपिटल रहेगा, और 1 यूरो में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आप एक फॉरेनर हो तो आपको एक जो पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा, उनका जो लॉ फर्म को, लॉयर को देना पड़ेगा। तो लॉ फर्म लॉयर आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन करेगा, और अगर प्रोसेस होगा हर कंपनी के लिए कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस रहेगा। आपको आइदर अगर आपको खुद का रेसिडेंसी वीज़ा लेना है इटली में, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रेसिडेंसी वीज़ा लेकर वहीं पर रहकर कंपनी रन करना है, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए पहला प्रोसीजर है, आपको आपका ऑफिस या दुकान, वेयरहाउस जो भी है, शोरूम वगैरह 1 ईयर लीज में लेना पड़ेगा, 1 साल का लीज में लेना पड़ेगा। लीज में लेने के बाद जो लीज का एग्रीमेंट, ऑफिस का एग्रीमेंट होगा, उसके ऊपर जो एड्रेस है, उस एड्रेस में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। 7-8 दिन में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने कम से कम, अगर आपको रेसिडेंसी वीज़ा लेना है, कम से कम 5 इटालियन को वहाँ पर जॉब पे रखना पड़ेगा, फुल टाइम जॉब पे रखना पड़ेगा। फिर आपको 3-4 महीना लगता है, 3-4 मंथ्स लगता है आपका जो कंपनी रन होने के बाद। आप कंपनी तो बन जाएगी, कंपनी बन जाएगा, बैंक अकाउंट खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगी, लेकिन आपका जो रेसिडेंसी वीज़ा के लिए तो टाइम लगता है। आप कंपनी रन होने के बाद आप मिनिमम पाँच इटालियन को जॉब पे रखोगे। जॉब पे रखने के बाद हर महीना उनका जो फुल टाइम सैलरी आपका कॉरपोरेट अकाउंट, आपका बिजनेस अकाउंट से उनको अकाउंट में, उनका पर्सनल अकाउंट में, आपका जो एम्प्लॉई है, इटालियन एम्प्लॉई है, उनका अकाउंट में जाना चाहिए, हर महीना सैलरी जाना चाहिए। तो 4-5 महीने के बाद इटालियन इमिग्रेशन, इटालिया का जो इमिग्रेशन होते हैं, वो जब चेक करते हैं कि आपका कंपनी ठीक से रन हो रहा है, स्मूथली रन हो रहा है, और आपका बिजनेस चल रहा है, और मिनिमम पाँच इटालियन को आपने जॉब पे रखा, उनका टाइम पे सैलरी जा रहा है उनका अकाउंट में, तो सब कुछ चेक करने के बाद वो लोग आके ऑफिसर्स आके चेक करते हैं, उनका आपको एम्प्लॉई से इंटरव्यू लेते हैं, आपका ऑफिस या आपका दुकान देखते हैं, आपसे इंटरव्यू लेते हैं, सब कुछ ठीक होने के बाद वो लोग आपको रेसिडेंसी वीज़ा इशू करते हैं, ठीक है। अगर आपने इटली में रह के बिजनेस नहीं करना है और आपको सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन करना है, बैंक अकाउंट ऑपरेट करना है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप वर्चुअल ऑफिस, आपको लॉ फर्म अरेंज कर देंगे, वर्चुअल ऑफिस उनका एड्रेस में, कोई भी एड्रेस में वर्चुअल ऑफिस अरेंज कर देंगे, वर्चुअल ऑफिस एड्रेस में आपका कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगी। विद इन 15 दिन के अंदर आपको वर्चुअल ऑफिस के एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका एक बैंक अकाउंट खुल जाएगी, फिर आप इंडिया में या कोई भी कंट्री में रहकर इटली का बिजनेस रन कर सकते हो। ये ज़्यादा करके जो ऑफशोर कंपनी होते हैं, बहुत सारे कंपनी चाहते हैं जो इटली में उनका बिजनेस होता है, तो वो इस टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन करके बिजनेस रन कर सकते हैं। इटली से उनका जो क्लाइंट्स है, उनका जो पेमेंट्स है, इटली का जो उनका बैंक अकाउंट में आता है, फिर वो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में वो पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप आपका जो कंपनी वर्चुअल एड्रेस में, वर्चुअल ऑफिस एड्रेस में आप बना सकते हो। तो कोई भी, जितने सारे टाइप का कंपनी बता दिया, कोई भी टाइप का कंपनी बनाने के लिए 1 यूरो आपको कैपिटल रहेगा, शेयर कैपिटल, और आपको वर्चुअल एड्रेस में कंपनी बन सकता है अगर आपको रेसिडेंसी वीज़ा नहीं चाहिए।
और 7-8 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर कंपनी बन जाती है। और कॉरपोरेट टैक्स से 24% ईयरली आपने जितने प्रॉफिट कमाया कॉरपोरेट टैक्स से 24% 24% आपको देना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। अगर आपने इटली में नहीं रहते हो और आप कोई बाहर रहते हो और इटली में आपका ऑफशोर कंपनी या कंपनी रन होता है तो आपको फ्रीलांसर कोई फ्रीलांसर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपका कंपनी का टैक्स देखेगा आपका कंपनी मेंटेन करेगा टैक्सेशन का, तो ईयरली जो भी पैसा है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना पड़ेगा, वो आपको टैक्सेशन वगैरह पेपर्स बनाएगा, ईयरली आप उनको पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वहाँ पर रह के बिजनेस करना है आपको फ्रीलांसर या फुल टाइम में चार्टर्ड अकाउंटेंट इटालियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा जो आपका टैक्सेशन को देखेगा, ठीक है। और 24% हो गया आपका कॉरपोरेट टैक्स और वैट हो गया 10% से लेकर 22% वैट है। तो यह है प्रोसीजर। अगर आपको इटली में रेस्टोरेंट्स रन करना है, रेस्टोरेंट्स होटल्स गेस्ट हाउसेस वगैरह रन करना है तो आप LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और किसी टाइप का भी कंपनी आप बनाना सकते बनाना चाहते हो तो LLC कंपनी बना सकते हो। और याद रखिएगा इटली में कंपनी फॉर्मेशन इजीली हो जाती है लेकिन रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा जब तक आप 5-6 इटालियन को नौकरी में नहीं रखते हो और वहाँ पर करोड़ों रुपया मिनिमम 2-3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हो, फिर आपको इजीली रेसिडेंसी मिल जाती है। फिर वहाँ पर आप लंग टाइम रहकर आपका फैमिली को भी स्पॉन्सर करके वहाँ पर रह के कंपनी रन कर सकते हो। मिनिमम 3-4 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रेसिडेंसी वीज़ा इजीली मिल जाएगा। तो किस टाइप का कंपनी बनाओगे तो आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलता है, ज़्यादा करके रेस्टोरेंट्स, कैफेस, गेस्ट हाउसेस, होटल्स, सुपरमार्केट्स, इस टाइप का कंपनी अगर बनाओगे तो आपको 4-5-6 इटालियन लोगों को नौकरी में रखना पड़ेगा फुल टाइम, फिर आप इजीली आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाती है, फिर आपका फैमिली को स्पॉन्सर करके वहाँ पर आप रह सकते हो। मिनिमम 1-2 साल का रेसिडेंसी मिलता है और हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है। वहाँ पर 7-8 साल रहने के बाद इटली में ऑन रेसिडेंसी आपको इजीली PR मिलता है, फिर बाद में आपको मिल जाती है इटालियन का वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाता है कम से कम 7-8 साल रहने के बाद। कंपनी फॉर्मेशन से आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलता है, रेसिडेंसी के बाद PR मिलता है, PR के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाता है इटली में। लेकिन आपको कंपनी बनाने के बाद हर साल आपको कॉरपोरेट टैक्स पे करना है, एम्प्लॉई का टैक्स पे करना है, प्लस आपका खुद का इनकम टैक्स पे करना है। अगर आप ठीक से गवर्नमेंट को हर साल टैक्स ठीक से पे कर रहे हो और आपको 5-6 साल रहने के बाद आपको PR मिलेगा, परमानेंट रेसिडेंसी, फिर आपको 8 साल कम से कम रहने के बाद ऑन रेसिडेंसी आपको मिल जाएगा इटाली का सिटीजनशिप मिल जाती है। तो अगर आपके पास 4-5 करोड़ 3-4 करोड़ इन्वेस्ट करने का कैपेसिटी है फिर इटली में जाकर इन्वेस्टमेंट करिए और इन्वेस्टमेंट करके वहाँ रेसिडेंसी लेकर बाद में PR लेके सिटीजनशिप ले सकते हो। तो ये हो गया हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन इटली और कितने टाइप का कंपनी बनते आपको बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो इटली में कंपनी बनाने के लिए, इटली में कंपनी बनाकर वहाँ रहने के लिए, आप गूगल में सर्च करिएगा द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स इटली, द लिस्ट ऑफ कंसल्टेंट इन इटली। आपको काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स लॉ फर्म्स दिखाई देंगे गूगल में, आप उनके साथ कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेट करके आप उनको ये सब बारे में पूछिए, इंक्वायरीज करिए। इंक्वायरीज करने के बाद मैं जितने सारे डिटेल्स बता दिया सेम प्रोसीजर आपको बताएंगे। ज़्यादा करके इटली का जो लॉ फर्म्स होते हैं तो आपको जितने सारे कंपनी बनाओगे मिनिमम आपका 5-6 हज़ार यूरो आपको चार्ज करेंगे कोई भी कंपनी के लिए, और बड़े लॉयर आपको 10-15 हज़ार यूरो चार्ज करेंगे PLC कंपनी फॉर्मेशन के लिए। तो आप उनके साथ बातचीत करके कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं इन इटली। आप उनको लॉ फर्म को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए, वो आपके लिए कंपनी बनाकर सब कुछ क्लियर कर देंगे, आपको इटली जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपने ऑफशोर कंपनी बनाना चाहते हो, इटली में रेसिडेंसी लेना नहीं चाहते हो, अगर आप वहाँ पर रेसिडेंसी लेकर रहना चाहते हो तो आप इटली का वीज़ा लेकर इटली जाइए, इटली में कंपनी रजिस्ट्रेशन करके सब कुछ रेडी करके फिर आप इन्वेस्टमेंट करिए, फिर आपको 3-4 महीने के बाद आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगी। अगर आपने इन्वेस्ट करोड़ों रुपया किया, इमीडिएटली आपने सुपरमार्केट रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया, आपका कॉरपोरेट अकाउंट में आपका 2-3 करोड़ रुपया है और आपने 4-5 इटालियन को नौकरी में रख लिया, फिर आपको तुरंत रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाती है, ठीक है। डिपेंड करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के ऊपर,
इमिग्रेशन को लगेगा हाँ आपने बड़े बिजनेसमैन हैं और आप इन्वेस्टमेंट रियली किया है, इटालियन लोग को काम मिला है और इटली का इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है, फिर आपको इमीडिएटली एक दो महीने के अंदर आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाती है। तो डिपेंड करता है आपका लिमिटेड आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के ऊपर। तो आप थ्रू लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हमारा कंपनी मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगा इटली में कैसे आपका खुद का कंपनी फॉर्मेशन करके इटली में आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे। अगर इंटरेस्टेड है आप मुझे या हमारे कंपनी को ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you.